फ्रेंड इंडियन मॉम नीता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज अपनी किचन में चलते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या बनाना है। आज हम बनाएंगे बेसन के गट्टे की सब्जी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इधर पर हमने ले लिया है बेसन और साथ में लिया है हींग, और इधर पर साथ में हमने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में लाल मिर्च पाउडर लेंगे। तो इधर पर देखिए, इधर पर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और ये ली है अजवाइन, जिसको हाथ से अच्छे से क्रश कर लेंगे। जब भी बेसन का कोई चीज़ बनाते हैं यदि उसमें अजवाइन डालते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर पर नमक डालना है, बहुत थोड़ा सा नमक डालना है कि बस जो गट्टे हम बनाएँ तो उसमें नमक का टेस्ट अच्छे से आ जाना चाहिए। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है गट्टे सॉफ्ट नहीं बनते हैं, तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि उसमें यदि आप मोइन बहुत अच्छे से डालते हैं तो गट्टे बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना है जिससे कि गट्टे बहुत अच्छे से सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए, इधर पर सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है इस तरह से, और बस इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि मोइन बहुत अच्छे से इसमें डला है। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम फिर इसको गूंथेंगे। तो इधर पर बहुत थोड़ा थोड़ा पानी जो है डालकर हमको जो बेसन है तो उसको गूंथ के तैयार करना है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बेसन को हम गूंथ के तैयार कर लेंगे। अब इधर पर आप चाहें तो इसको कोई भी साइज शेप दे सकते हैं। इधर पर हमने इस तरह से इसके गोले बना लिए हैं, इस तरह से सॉफ्ट करके अच्छे से गोले बना लेंगे। और जितना है देखिए, इधर पर ये गोले बना के हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई में पानी को गर्म करेंगे, और हमेशा जब भी गट्टे आप पानी में बॉयल करिए तो याद रखिए कि पानी को हमेशा पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद गट्टे को उसमें हम डालेंगे। तो देखिए, इधर पर बेसन के गोले बना के हमने इधर पर डाल दिए हैं, अब इसको ढक के हम पका लेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि जो हमने बेसन के गोले डाले थे तो वो इस तरह से हमारे पक चुके हैं। और आपको बता दें कि जो ऊपर ये बबल्स टाइप के बन गए हैं, और जब इस तरह का टेक्सचर बेसन में आ जाए तो समझ लीजिए कि गट्टे हमारे बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। तो बस इनको हम निकाल लेंगे, और जो ये पानी बचा हुआ है तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो देखिए, इधर पर हमने ये इस तरह से इसको एक गोले में से इस तरह से पीस करके अलग अलग निकाल दिए हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, छोटा बड़ा आपको जैसा भी रखना है। और देखिए, इधर पर हम ये दिखा दें आपको कि इस तरह से यदि बेसन का टेक्सचर हो जाता है तो समझिए कि आपका बेसन बहुत अच्छे से पक गया है। चलिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इधर पर हमने 2 चम्मच लिया है दही, और दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, मीडियम खट्टा होना चाहिए। और साथ में इधर लिया है हल्दी पाउडर 1 चम्मच, और साथ में इधर पर हमने डाला है धनिया पाउडर, इसको आप 4 चम्मच जो है तो ले सकते हैं। और साथ में इधर पर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ में कश्मीरी लाल मिर्च भी हम इसी में डाल देंगे। इधर पर देखिए, हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, इसको बहुत अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है, अच्छा सा बिल्कुल इसको पेस्ट बना लेना है अच्छा सा। और साथ में इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। और इधर पर देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी हमने 1 चम्मच डाल दी है, और इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करके एक साइड में रख देंगे, जिसमें कि ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा। अब इसके बाद चलिए हम प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। इधर पर हमने ली है 3 मीडियम साइज़ की प्याज, कुछ इधर पर लिए हैं लहसुन और 2 ली है हरी मिर्च। तो बस इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और बस इसके साथ ही हम कढ़ाई में तेल लेंगे। देखिए, इधर पर पेस्ट बन के हमारा तैयार हो गया है, और इधर पर हम लेंगे ऑयल को गर्म कर लिया है, और साथ में जो हमने गट्टे इस तरह से काटे थे तो उनको हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो फ्राई करिए, और ना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको आप फ्राई करें, बिना फ्राई किए हुए भी गट्टे काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो बस इधर पर हम इनको फ्राई कर लेंगे, और बस इसको कम फ्लेम पे ही करिए जिसमें कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। और देखिए, इधर पर ये हमारे अच्छे से कलर चेंज हो गया है, और ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो निकाल के हम इनको अलग कर देंगे। अब चलिए तैयारी करते हैं कि किस तरह से इनके जो मसाले हैं उनको हमको बनाना है। सबसे पहले इधर पर हमने जीरा लिया है, तेज़पत्ता लिया है, और बस इन दोनों को इस तरह से डाल के
और उसके बाद हम जो प्याज का पेस्ट था, प्याज लहसुन और हरी मिर्च का, तो उसको हम डाल के और कम से कम 3 मिनट तक प्याज को अच्छे से भूंज लेंगे। अब इसके भून जाने के बाद देखिए इसको अच्छे से भून लेना है। इसके बाद जो हमने दही में हल्दी धनिया मिर्च वगैरह डाली थी उससे जो हमने पेस्ट बनाया था, तो उसको हम इधर पर डाल देंगे और फिर से मसाले को अच्छे से भूनेंगे। इससे जो हम दही में जब हल्दी और साथ में धनिया मिर्च वगैरह डाल के पेस्ट बनाते हैं, तो इससे जो हमारी ग्रेवी तैयार होती है तो काफ़ी अच्छी क्रीमी सी ग्रेवी तैयार होती है। तो बस इधर पर हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और इसको मसालों को हम बहुत अच्छे से भूंज लेंगे। तो इधर पर मसाले जो हैं तो हमको भूंज लेना है, और जब ये बहुत अच्छे से भून जाएंगे तो देखिए इधर पर मसाला भून गया है और तेल भी मसाले ने छोड़ दिया है। तो अब जितने गट्टे हैं तो गट्टों को हम मसाले में डाल के 1 से 2 मिनट तक इसको चला लेंगे। हल्के हाथ से चलाइए जिसमें कि जो गट्टे हैं तो वो टूटे नहीं। और बस इधर पर देखिए हम डालेंगे हरी धनिया के पत्ते, और साथ में इसमें थोड़ा सा डाला है किचन किंग मसाला, और जो पानी इसके गट्टे का बचा था तो उसको डाल देंगे। इससे क्या होता है कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनके तैयार होती है और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा आता है। अब इसके ऊपर से डाल देंगे, और आपको जितनी इस ग्रेवी पतली रखनी है या गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप और पानी इसमें डाल दीजिए। और इधर पर देखिए हमारी गट्टे की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। और आपको ये दिखा दें कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि गट्टे हमारे सॉफ्ट नहीं बनते हैं, तो इधर पर आप देखिए कि किस तरह से गट्टे बिल्कुल सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।